अनमोल टॉवर गोरेगांव पश्चिम, यहाँ पर गोलीबारी की घटना का एक कॉल नियंत्रण कक्ष मुंबई को प्राप्त हुआ था। इसके चलते वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरेगांव श्री गोस्वामी और उनकी टीम ने तुरंत घटनास्थल को भेंट देख के वहाँ मुआयना किया, तो पता चला कि श्री धवल सुराणा, इनके घर में वो जब आराम फरमा रहे थे उस वक्त किसी अग्निशस्त्र से फायर करके उनके घर में एक अग्निशस्त्र की बुलेट सदृश कोई वस्तु आकर फर्श पर गिरी हुई थी। उन्होंने जब वहाँ तहकीकात किया, चेक किया, तो पर्दा और जो स्लाइडिंग विंडो थी उसको छेद गिरा हुआ था और किसी ने अग्निशस्त्र द्वारे फायर करके उनका या किसी और उनके संबंधी का जान लाने की कोशिश की है, इस तरीके की वारदात सामने आई थी। इसके चलते उनकी कंप्लेंट पर से पुलिस स्टेशन गोरेगांव यहाँ कलम 307 बादवी और 325-27 भारतीय हत्या कायदा के तहत अपराध दाखिल किया गया। इसके बाद इसकी तहकीकात चल रही थी कि उसी समय मालाड पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में वासरी हिल इस एरिया में राकेश यादव इस शख्स की हत्या अग्निशस्त्र द्वारा की गई, ऐसी बातमी पता चली। इसके चलते वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालाड और उनकी टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया और छानबीन की, तब पता चला कि राकेश संतोष कड़म्बे उर्फ सियार इस हत्यारे ने इस वारदात को अपने साथीदार के साथ अंजाम दिया। गोरेगांव पुलिस स्टेशन की फायरिंग की घटना और मालाड पुलिस स्टेशन का मर्डर, ये दोनों घटनास्थल का परिसर, की गई हत्या और इसमें सामने आए हुए इतर परिस्थिति पुरावे जो थे, इसके चलते दोनों वारदात एक ही अपराधी ने किए, इस तरीके की प्राथमिक पुष्टि हो रही थी। इसके चलते दोनों पुलिस स्टेशन के सामयिक तपास पथक ACP गोरेगांव श्री राजाराम मांडगे इनके नेतृत्व में किए गए। अथक परिश्रम के बाद गोरेगांव पुलिस स्टेशन के पथक ने संतोष कड़म्बे उर्फ सीआर इसको हिरासत में लिया गया। इसको हिरासत में लेकर उसकी तहकीकात करने के बाद उसके पास से एक पिस्तौल, दो राउंड और जहां से फायरिंग किया था वहां से एक खाली पुंगड़ी जब्त की गई है। इसने इसकी तहकीकात में जो सामने आया, इसके साथ मर्डर में जो आरोपी शामिल था विनोद पुजारी, उसको भी हिरासत में लिया गया और मालाड पुलिस स्टेशन के मर्डर के ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है। विनोद पुजारी से मर्डर के ऑफेंस में जो इस्तेमाल की गई व्हीकल थी वो जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपी अभी हिरासत में हैं। दोनों को 8 जून तक पुलिस रिमांड प्राप्त है। आगे की छानबीन जारी है।